तो यार कहानी की शुरुआत होती है ग्रैंड जेनो के पैलेस से, जहां पर रहते किंग ऑफ एवरीथिंग जेनो सामा। अब यहाँ पर जेनो सामा सब कुछ यूनिवर्स संभालते संभालते बोर हो चुके हैं। फिर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, जेनो सामा अब आपको एक सक्सेसर की जरूरत है। अगर कोई फ्यूचर में भी आपसे स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर जेनो सामा बोलते, हाँ अब मैं भी थक चुका हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए ग्रैंड प्रिस्ट? जेनो सामा, इसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मुझे लगता है अगर इस यूनिवर्स में किसी में इतना पोटेंशियल है कि वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर बने, तो वो आपका खुद का बेटा ही हो सकता है, क्योंकि उसके पास आपकी सारी पावर्स होगी और उसे मैं भी ट्रेन करूंगा और हम सारे एंजल्स उसके ऑर्डर्स मानेंगे। ये तो काफी बेहतरीन आइडिया है, मुझे काफी पसंद आया, पर उस लड़के की मम्मी कौन होगी? ये तो आपको ही चूज करना पड़ेगा जेनोसामा, आप किस लाइफ फॉर्म को चाहते हो। तो फिर ग्रैंड प्रिस्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की मम्मी एक सेयन हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ उस बच्चे के अंदर सेयन का पोटेंशियल हो और उस बच्चे को मैं अपना अगला सक्सेसर बनाऊंगा। तो फिर जेनोसामा, अब वक्त आ चुका है, आपको आपके बेटे की मम्मी चूज करनी होगी। फिर जेनोसामा सारी यूनिवर्स में देखने लग जाते और देखते देखते उन्हें गिने मिल जाती है। जेनोसामा बोलते, ओ ये सेयन मेरे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट होगी, ये एक नेक दिल इंसान है, ये मेरे बेटे के लिए परफेक्ट मम्मी होगी। मैं उसका एक अच्छा बाप तो नहीं बन सकता, पर ये सेयन उसकी एक परफेक्ट मम्मी बन सकती है। और अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बारडॉक और गिने अभी तक नहीं मिले होते, इसलिए कहानी में एक ट्विस्ट आता है और जेनो सामाई गिने को उसके बेटे की मम्मी चूज करते हैं। इसलिए अब किसी तरीके से गिने के पेट के अंदर ही एक बच्चा पैदा होने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद हमें प्लेनेट वेजिटा दिखाया जाता है, जहाँ पर गिने रियलाइज करती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब गिने इतनी ज्यादा शॉक में होती है और वो बोलती है कि क्या ये कैसे हो सकता है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो मेरे पास ये बच्चा कहाँ से आ गया? अब दिन बीतते जाते हैं और वो लड़का पेट में बड़ा होते रहता है। गिने इसका आंसर ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो ऐसी सैड होके बैठी रहती है। और उसी टाइम एक दिन ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से उसके सामने आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि गिने इतना भी टेंशन मत लो, तुम्हें तो बस इस बच्चे के माँ के लिए चूज किया गया है और ये बच्चा फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हें अपने साथ साथ इस बच्चे का भी काफी अच्छे से ख्याल रखना है जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। गिने ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गिने बोलती है, क्या आखिर तुम हो कौन, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का और मैं तुम्हें सब कुछ अभी नहीं बता सकता। पर मुझे ही क्यों चूज किया गया इस बच्चे की मॉम बनने के लिए, और ये कैसे पॉसिबल है, एक पावर की मदद से मेरे पेट के अंदर एक बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? मिस गिने, मैं आपको अब बस इतना ही बता सकता हूँ कि ये बच्चा फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऐसा डिसीजन लिया गया है। अब जेनोसामा का ट्रस्ट इतने इजीली नहीं तोड़ सकते, इतने सारे यूनिवर्स में से एक आप ही हो जिसको इस काम के लिए चूज किया गया है। हाँ पर इससे पहले कि गिने आगे कुछ बोलती, ग्रैंड प्रिस्ट वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम जेनो के पैलेस पे वापस आ जाते हैं। जेनो सामा, जब वो बच्चे का जन्म हो जाएगा तब आप उसके साथ क्या करोगे? जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक मैं वेट करूंगा, और जब उस बच्चे का जन्म हो जाएगा तब वो बच्चा यहाँ पर आएगा और तुम उसे ट्रेन करोगे और तुम उसे अपनी पावर्स कंट्रोल करना सिखाओगे और तुम उसे ऐसा ट्रेन करना कि जरूरत पड़ने पर वो सारे गॉड्स को भी खत्म कर दे। मैं समझ गया जेनोसामा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बच्चा काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा जो कि इस पूरे यूनिवर्स की डेस्टिनी चेंज कर देगा। उसके बाद कुछ महीने बीत जाते और गिने उस बच्चे को जन्म दे देती है। उस बच्चे की पैदा होने की खबर पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है कि एक काफी पावरफुल बच्चा पैदा हुआ है प्लेनेट वेजिटा पर। अब उस बच्चे की पावर चेक करने के लिए उस प्लेनेट के सेयंस उस बच्चे की पावर चेक करने लग जाते है, पर तभी उनका स्काउटर उस पावर को झेल नहीं पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वहाँ के सभी सेयन काफी ज्यादा शॉक हो जाते और वो बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है हमारे स्काउटर ऐसी पावर को झेलने के लिए नहीं नहीं है। अब फ्रीजा भी ये सारी बातें अपने स्काउटर पे सुन रहा होता है और फ्रीजा भी ये सुन के सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि फ्रीजा भी उस पावर को फील कर रहा होता है और फ्रीजा काफी ज्यादा डर जाता है। हाँ ये कैसे हो सकता है, कोई बंदर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, मैंने पूरी जिंदगी में ऐसे पावर कभी नहीं देखी, कोई इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, कही ये वो लेजेंडरी सुपर सेयन तो नहीं है, आगे जाके ये मेरे लिए मुसीबत बन सकता है, वैसे भी वो अभी तक बच्चा है तो मैं उसे खत्म कर देता हूँ। हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा,
हो, फ्रीजा तुम एकदम जीनियस हो। फिर फ्रीजा देखता है कि अर्थ पर कोई अंधुन बंदा वहाँ पर आ चुका है जो कि ग्रैंड प्रिस्ट होते है। वो गिने और गोकू को ले जाने आए होते हैं। फ्रीजा तुरंत उस बच्चे को खत्म करने के लिए वहाँ तक पहुँच जाता है, पर एक सेकंड में वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। फ्रीजा बोलता है, ये क्या, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? यहाँ पर तो वो लोग है ही नहीं, आखिर वो बच्चा गया कहाँ पर? फिर हम देखते है वो सब लोग जैनोसामा के पैलेस पे आ जाते है, जहाँ पर गिने अपने डाउट्स क्लियर कर रही होती है कि आप लोग कौन हो और मुझे इस काम के लिए क्यों चूज किया गया वगैरह वगैरह। फिर जैनोसामा बोलते हैं, मैं हूँ जैनोसामा और मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ और मैं सारे यूनिवर्स पे रूल करता हूँ और जो यूनिवर्स मेरी बात नहीं सुनता मैं उसे इरेज कर देता हूँ। अब गिने सब कुछ समझने लग जाती है और वो सोचती है कि उसको एक काफी बड़े काम के लिए चूज किया गया है। लगता है उसका बेटा आगे जाके काफी जरूरी रोल प्ले करने वाला है, इसलिए वो जैनो की बात मान जाती है। फिर गिने बोलती है कि वो सब तो ठीक है, पर हम इसका नाम क्या रखेंगे? तो इसका नाम हम कैकरोट रखते हैं। पर जैनोसामा बोलते कि नहीं, इसका नाम होगा गोकू। और फिर गिने को भी गोकू नाम काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और वो भी मान जाती है। इसके बाद गिने अपने होम प्लेनेट वेजिटा पे वापस चली जाती है और वो बीच बीच में जब मर्जी अपने बच्चे को देखने के लिए आ जाती थी। और यहाँ पर दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट भी गोकू को ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ दिन के ट्रेनिंग में ही गोकू काफी सारे टेक्निक्स को मास्टर कर देता है। फिर कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं और गोकू भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और यहाँ तक गोकू को काफी सारी यूनिवर्स की नॉलेज आ जाती है, जैसे कि यूनिवर्स क्या होता है वगैरह, उनके गॉड्स वगैरह सब कुछ क्या होता है, यूनिवर्स की सारे नॉलेज गोकू के पास आ जाती है। और ये वाला गोकू बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। और फिर कुछ दिन बाद फ्रीजा जो होता है वो प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय कर देता है और प्लैनेट वेजिटा पर गिने भी मौजूद होती है, यानी कि गिने मर जाती है। जैसे ये खबर गोकू को पता चलती है तो गोकू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में काफी ज्यादा खतरनाक पावर अप करने लग जाता है। और पावर अप करते करते गोकू अपनी फुल पावर रिलीज कर देता है और इस टाइम गोकू इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरा का पूरा जैनो का पैलेस डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आगे क्या होगा, क्या गोकू फ्रीजा को खत्म कर देगा या फ्रीजा गोकू से बच पाएगा, तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो हाँ यार, आज का एपिसोड यही पे खत्म होता है। आप लोग कॉमेंट जरूर करना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, जिससे मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और आगे आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।